सप्ताह का अल्टीमेटम है सर, एक सप्ताह जी सर। हमारे स्कूलों को नहीं खोला गया तो जल्द ही हम सरकार के खिलाफ उतरेंगे और स्कूलों को पूर्ण रूप से खोल देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। मैं राजीव बंसल आज मिनी सेक्रेटरेट में खड़ा हूं, जहां काफ़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल संघ व अन्य स्कूल संघ के सदस्य यहां खड़े हैं, संचालक खड़े हैं। और ये क्या मांग कर रहे हैं कि 2 फरवरी को 10वीं व 12वीं के स्कूल खोले गए हैं और दूसरी क्लासेस के बच्चे सफ़र कर रहे हैं, एग्ज़ाम आने वाले हैं, कोविड की थर्ड लहर को चलते स्कूल बंद हैं और बच्चों की शिक्षा पढ़ाई का किस कदर हर्ष हो रहा है ये स्वयं बताएंगे। मेरे साथ हैं प्राइवेट स्कूल संघ के प्रधान रविंदर अत्री जी और उसके बाद मैं तेलुराम जी जो संरक्षक हैं इनसे भी बात करूंगा और काफ़ी संख्या में स्कूल संचालक हैं। रविंदर अत्री जी, क्या मांग है आज आप SDM साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पहुँचे हैं? आज SDM साहब के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे स्कूलों को नर्सरी कक्षा से खोला जाए। जो बच्चे आज घर पर बैठे हैं वो इधर उधर घूमते हैं, स्थानों पर जाते हैं, यात्राएं करते हैं, बाज़ार में ख़रीदारी करते हैं, मॉल में जाते हैं, वहाँ कोरोना फैलने का खतरा उनको ज़्यादा है। स्कूलों में आप किसी भी स्कूल में जाकर अगर देखेंगे तो सबसे पहले उनको सैनिटाइज़ करवाया जाता है, उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाती है और स्कूलों में भी डिस्टेंस से उनको बिठाया जाता है। कोविड के पूरे नियमों का पालन स्कूलों में किया जाता है। आज हम स्पष्ट रूप से सभी स्कूल संचालक गण ये कहते हैं कि अगर हमारे स्कूलों को नहीं खोला गया तो जल्द ही हम सरकार के खिलाफ उतरेंगे और स्कूलों को पूर्ण रूप से खोल देंगे। कोई अल्टीमेटम दे रहे हैं क्या? एक सप्ताह का अल्टीमेटम है सर, एक सप्ताह जी सर। और ग्रामीण पंचायतों ने तो ये ऐलान कर दिया कि हम स्कूल खोलेंगे। बिल्कुल, आज हमारे साथ ग्रामीण प्रधान प्रदीप पुनिया जी भी पहुँचे हैं और ग्रामीण के स्कूल भी पहुँचे हैं। ये सभी कह रहे हैं कि ग्राम पंचायतें हमारे ऊपर दबाव भी बना रही है और स्कूलों को खोल भी दिया है, काफ़ी सरकारी स्कूल है उनको खोल भी दिया है। हम ये कहते हैं कि गैर सरकारी और सरकारी सभी स्कूलों को पूर्ण रूप से खोला जाए ताकि बच्चों का भविष्य सुधारा जा सके। SOP गाइडलाइन जैसे है कि यानी कि 15 से 18 तक के वैक्सीन लगेंगे, क्या नन्हे बच्चों को वैक्सीन नहीं लगेंगे फिर कैसे होगा? सर आप देखिए, वैक्सीन लगवाने का जो कार्य है वो किसने किया? वो स्कूलों ने किया है। अगर सरकार अपने बलबूते पर यह कार्य करती, 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगवाती तो ये असंभव था। कैसे वो घर से पकड़ के लेके आती? किसी भी स्कूल, ये जितने स्कूल संचालक है यहाँ पर सभी के स्कूलों में कैंप लगाया और वहाँ उन विद्यार्थियों को 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगवाई गई। स्कूलों का पूर्ण रूप से उसमें सहयोग है। आगे भी अगर वैक्सीन लगवाने का ऐसा कार्य होता है छोटे बच्चों को भी स्कूल ही पूरा सहयोग करेंगे और स्कूलों को पूर्ण रूप से खोला जाए। मैं जानूंगा एक ग्रामीण पंचायत के यानी कि स्कूल के यहाँ आए हैं, क्या नाम है साहब आपका? प्रदीप पुनिया जी। आप लोगों ने तो स्कूल खोल लिए क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी स्कूल नहीं खोले हैं, अभी ऐलान कर दिया था। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो पंचायतें हैं उन्होंने ऐलान कर रखा है, बहुत सी पंचायतों ने, कि हम जो है अगर आप स्कूल नहीं खोलोगे तो हम जबरदस्ती सरकार से स्कूल खुलवाएंगे और सभी बच्चों को, जो जितने भी सरकारी स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, सभी के अंदर बच्चों को भेजेंगे नर्सरी से लेकर 10+2 तक। मेरे साथ है तेलुराम जी, बहुत अच्छा बोलते हैं, संरक्षक सरपरस्त है। नमस्ते, बताइए क्या स्थिति है स्कूलों के बच्चों की शिक्षा की? बोर्ड के एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं। बोर्ड के एग्जाम भी शुरू हैं, इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र किया है प्राइमरी एजुकेशन के बच्चों ने, जबकि प्राइमरी एजुकेशन के पहले खुल जाने चाहिए थे और पेरेंट्स हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप जब फीस ले रहे हैं तो बच्चों को पढ़ा क्यों नहीं रहे, और बहुत सारी बातें लोग आके करते हैं। ऑनलाइन नहीं स्टडी चल रही क्या? ऑनलाइन स्टडी चल रही है, ऑनलाइन के बड़े भारी नुकसान हैं। पेरेंट्स ही आकर के बताते हैं कि बच्चे दूसरे काम लग जाते हैं उस मोबाइल के अंदर। उसी से हमें पता लग गया है कि भाई बड़ा नुकसान होने लग रहा है, आने वाले टाइम में समाज बड़ा पीछे चला जाएगा अगर प्राइमरी एजुकेशन को नहीं खोला गया तो। अल्टीमेट मांग बताइए मुझे आज, क्या डिमांड है और क्या मेमोरेंडम देने जा रहे हैं SDM साहब को आप? हम तो वही बात कह रहे हैं जो पेरेंट्स हमारे से आके मांग करते हैं, वही हम SDM साहब से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्कूलों को पूर्ण रूप से खोला जाए और शिक्षा के ढांचे को सुधारने के लिए पूरी कोशिश की जाए। धन्यवाद साहब। जैसा कि
प्राइवेट स्कूल संघ के प्रधान रविंद्र अत्री जी ने बताया है कि एक सप्ताह का हम अल्टीमेटम देते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि एक सप्ताह तक अगर हमारे स्कूल नहीं खोले गए तो फिर हमें स्वयं इस पर विचार करना होगा कि हम स्वयं स्कूल अपनी तरफ से खोलें, जैसे कि गाइडलाइंस SOP की हैं कि आप 10वीं और 12वीं तक के ही स्कूल खुले हैं, बाकी स्कूल छोटी क्लासेस के बंद हैं। ये इनकी मांग है और सभी के चेहरे पढ़ लीजिएगा, ये जितने संचालक हैं सभी के चेहरे उतरे हुए हैं। ये इसलिए उतरे हुए हैं कि इनकी फाइनेंशियल हालत बड़ी यानी कमज़ोर हो गई है, फीस लेते हुए भी ये बड़ा यानी संकुचित महसूस कर रहे हैं, ना इनको फीस मिल रही है और सारे स्कूल संचालक किस कदर यानी कि लेट डाउन हो गए हैं देखते रहिए हंसी की आवाज़। SDM साहब आते ही ये उनको ज्ञापन सौंपेंगे। हमारे CBSE के साथी भी आए हुए हैं, उनसे भी विचार लो। चेयरमैन साहब है संदीप देसवाल, संदीप देसवाल जी हैं। संदीप देसवाल से भी बात कर लूँगा। संदीप जी आइए, डॉक्टर साहब आइए प्लीज़। आपका CBSE पैटर्न स्कूल है, 10+2 तक के स्कूल खुले हैं, छोटी क्लासेस के स्कूल नहीं खुले हैं, तो क्या मांग करते हैं सरकार से आप? पहले तो बंसल जी, हंसी की आवाज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप किशन प्रणाम स्कूल के चेयरपर्सन हैं जी। बंसल जी, सबसे ज़्यादा मार अगर कहीं हुई है वो सिर्फ प्राइवेट स्कूल पे हुई है या सरकारी स्कूल मान के चलो स्कूलों पे हुई है, क्योंकि जो शिक्षा का स्तर जिस तरह हरियाणा प्रदेश ने चाहे प्राइवेट स्कूल थे या सरकारी स्कूल थे इतनी तरक्की की थी पिछले सालों में, वो सब पिछड़ता जा रहा है। और पता नहीं सरकार का मंशा क्या है, क्यों बंद कर रखे हैं, या तो स्कूलों की चार दीवारी के ऊपर कोरोना बैठा है कि जो ही बच्चे स्कूल में आएंगे पकड़ लेंगे। हम सारा दिन स्कूल संचालक हैं, पूरी पब्लिक है ना, सब्जी मंडी में भी 5,000 आदमी इकट्ठे होते हैं, ये सारे पूरे शहर में घूम के और रात को घर जाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, तो बच्चों को कोरोना नहीं पकड़ेगा? स्कूल में तो सेफ हैं, मास्क लगा के रखते हैं, सैनिटाइज हम कमरों को करते हैं, सैनिटाइज हाथों को करते हैं। अल्टीमेटली मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूं कि आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जल्द से जल्द इन स्कूलों को खोला जाए और जो भी कोरोना की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करने के लिए हमारे स्कूलों को निर्देश दिए जाए कि आप इसी हिसाब से सुरक्षित रखें बच्चों को और जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करें, हम उनको फॉलो करते हुए। थैंक यू। CBSE स्कूल के और RPS स्कूल के MD हैं मेरे साथ में, संदीप देसवाल जी, आपसे दूसरी बार मुलाकात कर रहा हूं देसवाल जी। डॉक्टर साहब बताइए, CBSE का भी यही मांग है क्या? सर, बच्चों के शिक्षा सभी जगह जरूरत है, वो हरियाणा बोर्ड है, CBSE बोर्ड या कोई बोर्ड मैटर नहीं करता है, बच्चों का भविष्य की बात है। बहुत लंबा टाइम हो गया है और बच्चों का भविष्य खराब होने लग रहा है, आगे आने वाला टाइम जनरेशन खराब हो जाएंगी अगर बहुत लंबा टाइम तक स्कूल बंद रहे तो हमारी मांग है कि स्कूल जल्दी खोले जाएं और बच्चों को शिक्षा ताकि सुचारू रूप से चालू की जा सके, उनका भविष्य ठीक से बनाया जा सके। आज ये ज्वाइंट वेंचर है CBSE का और हरियाणा बोर्ड के, सभी ये संचालक खड़े हैं, देखते हैं SDM साहब क्या इनको जवाब देते हैं और उनको ये मेमोरेंडम भी इनका अल्टीमेटम दिया है इन्होंने। थैंक यू।